यज्ञ मैंने देव पूजा साक्षात भी कर सकते हैं और दूसरे एक उपाय से भी कर सकते हैं। ये सब देवता के अंतर्गत जो सूक्ष्म अनुप्रवेशनी शक्ति है परमात्मा, उसको भी हम आराधना कर सकते हैं। इसलिए यज्ञ देव पूजा या यज्ञ का अर्थ यह है कि ये देवता का पूजा, ये परमात्मा की पूजा, ये सब तो इसका अर्थ भाव है। और आराधना में तीन प्रकार की आराधना हो जाती है। एक तो मानसिक आराधना, जिसमें हम हमारा दिल में ही बैठे, बहुत लोग बोल रहे हैं हमारा दिल में ही बैठ के हम ध्यान करेंगे, वो तो दिल तो स्थिर नहीं है ना, जो स्थिर नहीं है उसमें कैसे कर सकते हो। इसलिए मानसिक पूजा तो महर्षियों के लिए, जो साधना में सब सिद्ध है, जो अविच्छिन्न तैल धारावत धारण सब में सिद्धि में जो निर्लग्न है, संलग्न है, सन्नत है, बद्ध है, सब बद्ध है, वो जैसे आदमी लोगों के लिए महानुभाव के लिए ये दिया है। जो मानसिक अध्यात्म साक्षात्कार जो वेद में उपनिषद में द्वात्रिशत विद्यात्मक रूप में जो प्रकाश किया है। और दूसरा तो मन में भी हम स्वरूप निरूप का ध्यान कर सकते हैं, जैसा योग शास्त्र में निर्विकल्प समाधि सविकल्प समाधि है। दिल में भी एक रूप रखे भगवान को, एक रूप का स्मरण करके हम ध्यान कर सकते हैं। निरूप में भी करने वाला तो बहुत है। और दूसरा तो स्वरूप आराधन, स्वरूप आराधन में ये सब तीन प्रकार है, चित्र पद्धति, शिला पद्धति, आयतन पद्धति। चित्र पद्धति मेरे चित्र में प्रतिष्ठा, शिला पद्धति मेरे शिला करना। और शिला तो वो तरु में भी हो सकता है, दारू में हो सकता है, पाषाण में हो सकता है, पंचधातु में हो सकता है, वो सब तो शिला प्रकार। आयतन मैंने जो गृहाच्छा होता है वो गृहाच्छा में एक स्थापन करके हम छोटा सा रूप में रख के हम बना के रोज नित्य पूजा में उसको चलाते हैं। और आयतन की पद्धति में ये गर्भगृह, अर्धमंडप, महामंडप, विस्तार, वसंत मंडप, भोग मंडप, उत्सव मंडप, आवरण, स्थल वृक्ष, पुष्करिणी, गोपुर, विमान, बलिपीठ, ध्वजस्तंभ, ऐसा द्वादश अंगों के साथ पूर्ण रूप में इसकी प्रतिष्ठा हम करते हैं, उसको आयतन बोलते हैं। इसलिए जिसमें हम अभी जो कर रहे हैं वो तो स्वरूप प्रकाशन, भगवान का दिव्य रूप, दिव्य मंगल विग्रह का प्रकाशन मंत्रों से और दृष्ट पदार्थों से, द्रव्यों से, ऐसा बहुत कुछ रूपों में हम करते हैं। इसलिए चार रूप में भगवान यहाँ उपस्थित है, देवतात्मक, दिव्य मंगल विग्रहात्मक, मंत्रात्मक और पदार्थात्मक, नहीं तो द्रव्यात्मक। हम जितना द्रव्य यहाँ रखा हो तो भगवान तो दो प्रकार का आविर्भाव है, एक तो सर्वांतर्यामित्व का आविर्भाव है, भगवान सब पदार्थ में है। अरे गाय का दूध में भी वही है और महिष का दूध भी वही है ना। अंतर्यामी का रूप में देखेंगे तो गाय और महिष को फर्क नहीं है, लेकिन उनका सानिध्य और दिव्य अंश का रूप में हम देखेंगे तो फिर गाय का दूध में तो सत्व गुण तो अधिक है। सत्व गुण जिस पर अधिक है वह भगवान का सानिध्य हम ले सकते हैं। ये विषय तो यह नहीं कि भगवान उसके अंदर है या नहीं, इसका अर्थ यह है कि भगवान का सानिध्य उससे हम ले सकते हैं या नहीं। यदि भगवान वहां है या नहीं आप पूछेंगे तो सब जगह में तो भगवान है, लेकिन आप वहां से ले सकते हैं, ये तो भगवान का सानिध्य का विषय विचार नहीं है, आपका स्वीकार शक्ति का विचार, आपका स्वीकार शक्ति का सामर्थ्य है। ये देखेंगे तो शास्त्र में ऐसा बता दिए, ये सत्व पदार्थ और ये असत्व पदार्थ, ये निषिद्ध पदार्थ, ये तो उपाधेय, ऐसा शास्त्र में ये विभिन्न प्रकार की दृष्टि किया जाता है, जिस पर यदि आप इसको लेके फलभाग बन जाएंगे नहीं, वो तो शास्त्र का विचार है। भगवान तो उसके ऊपर अनुग्रह किया नहीं, उसके अंदर बैठा या नहीं, वो तो हमारा विचार नहीं है, सबके अंदर वो बैठा है। इसलिए वो द्रव्य रूप में जितने हम रखे हैं इसमें भगवान तो सर्वांतर्यामी था, अभी इनकी दिव्य अंश शक्ति में अभी व्याप्त है, इसको हम लेके ग्रहण करते हैं और सिर के ऊपर लगाते हैं, नहीं तो अलंकार करते हैं, आंखों में इसका दिव्य स्पर्श कर लेंगे, जिससे वो सत्व शक्ति हमारे दिल के अंदर जाती है। जितने करने के भी यदि हमको कुछ भी नहीं मिलता है वो हमारा पाप का भार है, इसलिए इसको बार बार करना चाहिए। यदि कुछ भी नहीं होता है ऐसा चिंतन हमको नहीं आना कि वो सब निष्फल है, वो सब तो सफल ही है, लेकिन उसका निष्फलता के कारण हमारे अंदर जो है वो बहुत कम है, विकार शक्ति कम है, इसका धारण शक्ति कम है, और हमारा जो संचित और प्रारब्ध का पाप का भार तो बहुत ज़्यादा है, जिसलिए जो हम लेते हैं वो भी धीरे धीरे ही काम करेगा और बहुत बार आवृत्ति भी करने पड़ेगा। ये तो शास्त्र का समाधान। इसलिए भगवान यहाँ द्रव्य का रूप में है, मंत्र का रूप में है, सर्वदेवता का रूप में है, और जो कुछ हम कदर करते हैं यहाँ सब पदार्थ तो भगवान का दिव्य अंश, दिव्य स्वरूप ही है। इसलिए इसको भौतिक उपासना बोलते हैं। हमारा शरीर तो भौतिक है, यदि आपके पास तो एक यंत्र है बोलने के लिए, दूसरा आदमी के पास भी वही यंत्र होना चाहिए, नहीं तो उसका सदृश तुल्य यंत्र होना चाहिए, नहीं तो वो भाषण नहीं होगा। ऐसा भी हम तो भौतिक शरीर है, आध्यात्मिक शक्ति तो हमारे पास बहुत कम है, इसलिए भौतिक प्रक्रिया से ही भगवान की आराधना होना चाहिए। और इसके लिए भगवान तो दो उपाय करता है, आप
आपको अप्राकृत स्थान भी देने के लिए तैयार है, खुद वो तो अप्राकृत है, उनको प्राकृत रूप में नीचे लेके आने के लिए भी वो तैयार है, जिससे हमको ऊपर लेके जाते हैं वो सब भगवान का दिव्य रूप, दिव्य मंगल विग्रह देखने के लिए, उसको उद्धार प्रक्रिया बोलते हैं, जिससे वो नीचे आते हैं उसको अवतार प्रक्रिया बोलते हैं। ये अवतार में पहले होते विभव अवतार में राम कृष्ण आदि रूपों में आए थे, अभी अर्चा अवतार में बैठे हैं, फिर भी ये तो नहीं बोल सकता है, ये तो बहुत कुछ हमको दिख सकता है, हम सुन सकते हैं मंत्र, ये सब में तो हमारी प्रकृति दृष्टि तो ऊपर होगी, लेकिन वो व्याख्या नहीं बोल सकता है, वो तो हमारा दिल भाव से समझना चाहिए। ये विग्रह तो बोलते रहते हैं, ये विग्रह से तो भाषण आए आते जाते हैं, ये विग्रह का स्पर्श है, ये विग्रह में भाषण है, ये विग्रह तो हमको देख रहा है और ये विग्रह का दिव्य गंध तो हम ले रहे हैं, लेकिन वो सब समझने के लिए हमको दिमाग उतना ज्यादा नहीं है। इसलिए अर्चावतार का महत्व हमको दिखाने के लिए आचार्यों का अवतार भगवान ने लिए है, जो हमको समझा सकते हैं वो विग्रह के अंदर जो सत्ता शक्ति है, जो इनके अंदर जो जीव शक्ति है, उसको समझाने के लिए आचार्यों का अवतार भगवान ने लिए है। इसलिए विभवावतार का महात्म्य सुप्रतिष्ठा करने के लिए अर्चावतार, अर्चावतार में ये तो ये मूर्ति हमारे पास तो भाषण करते ही रहते हैं, लेकिन वो समझने के लिए यदि हमारा खान तो बंद है, उनका वो हम कैसे समझ सकते हैं, इसलिए वो समझाने के लिए आचार्य का अवतार भी लिए। इसलिए जैसा हमारा शरीर भौतिक है, हमारा बुद्धि भी बहुत कम है, इसलिए आध्यात्मिक प्रक्रिया से तो ज्ञान नहीं हो सकता है, भौतिक प्रक्रिया से ही करना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, जल में करते हैं, वो तो तर्पण, स्नान, पान, प्रोक्षण, मार्जन, पुनः प्रोक्षण, शुद्धि प्रक्रिया, ये सब तो जल से करते हैं, और अग्नि से जो करते हैं वो तो नित्यानुष्ठान में बहुत करते हैं, पंचमहाय करते हैं, संविधान करते हैं, वैश्वे देव करते हैं, उपासन करते हैं, दक्षिणाग्नि, आत्मज्ञाग्नि, गर्भवत्याग्नि करते हैं और इष्टि करते हैं, इष्टाभूत का बहुत हवन ये अग्नि से ही करते हैं, इसलिए अग्नि रूप में भगवान है, मृत रूप में करते हैं प्रतिमा में, आकाश वायु का संधि है मंत्र, इसलिए पंचभूतों में आकाश और वायु ये दोनों की संधि तो मंत्र है, दो भूत हो गई, और ये सब प्रतिमा तो पृथ्वी मूर्ति का उपस्थान है, इसलिए तीन हो गई, और फिर जल में जो करते हैं वो तर्पणादि क्रिया, और आग में जो करते हैं वो हवनादि क्रिया, इसलिए पंचभूत संबंधित शरीर को फल प्राप्ति लेने के लिए पंचभूत का सहयोग से ये काम तो हम करते रहते हैं, ये शास्त्र का अर्थ है। ऐसा करने के समय में तीन प्रकार का धर्म बोल जाता है शास्त्र में, प्रातिनिध्य, सूचक, सगुण द्रव्य। प्रातिनिध्य मैंने भगवान ने जितने सृष्टि किया है वो सब आके आग में नहीं डाल सकते, भगवान ने करोड़ और करोड़ों की सृष्टि में विभिन्न विचित्र विनोद पदार्थों की सृष्टि की है, सब यहाँ आके मिटा के नहीं कर सकते। ये काल का भी तकलीफ होता है और द्रव्य का भी तकलीफ होता है और शरीर परिश्रम भी होता है और अर्थ परिस्थिति भी तकलीफ वहाँ हो जाती है, इसलिए प्रातिनिध्य होते हैं, इसका नाम प्रातिनिध्य। यदि 100 पदार्थों की उपस्थिति है वो दुनिया में विद्यमान लाख और करोड़ों का पदार्थों का प्रातिनिध्य वहाँ मिल जाता है। प्रातिनिध्य धर्म में जो आप एक डालते हैं एक पदार्थ, हजार हजारों पदार्थों का वो प्रातिनिध्य रूप में वहाँ उपस्थित है, इसलिए उसको प्रतिनिधि बोलते हैं, सब जैसा पदार्थों को लेके यहाँ नहीं ले जा सकते हैं। सूचक बोलते हैं, एक आदमी ने पूछा, अरे वस्त्र डालते हैं इसलिए वस्त्र लाभ मिलता है, सोना को डालते हैं इसलिए सोना सिद्धि मिलता है, पुत्र काम के लिए, पुत्र काम इष्टि के लिए क्या बच्चे लोगों को डालेंगे, एक आदमी ने पूछा था, इसलिए शास्त्र में बताता है सूचक दध्ना जुहोते पुत्र काम, दही मैंने दही, वो दही में पुत्र के अंदर पुत्र प्राप्ति के लिए जो अंतर विद्यमान चक्र है, स्वरूप है, वही स्वरूप दही में उपस्थित है, इसलिए वो दही को डालेंगे तो पुत्र का जो सूक्ष्म शक्ति का स्वरूप वो स्वरूप का डाल दिया जाएगा, जिससे वो पुत्र प्राप्ति भी मिल जाएगी हमको, इसलिए उसको सूचक बोलते हैं। सगुण बोलते हैं, सगुण मैंने मंत्र फल पदार्थ सदृश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मंत्र फल पदार्थ सदृश, जो मंत्र से बोलते हैं वो मंत्र के अंदर एक प्रक्रिया है, एक स्वरूप है, और जो पदार्थ आप रखे हैं वो पदार्थ के अंदर एक चक्र है, और जो फल आप चाहते हैं, यदि पुत्र प्राप्ति, विद्या प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, पत्नी प्राप्ति, ऐश्वर्य सिद्धि, विवाह सिद्धि, जो कुछ चाहते हैं उसके अंदर एक चक्र है, ये तीनों तो एक ही रूप में होना चाहिए, जिसके बिना वो कार्य सिद्धि नहीं होगी, इसलिए आपको जो चाहिए उसके अनुसार मंत्र होना चाहिए, जो मंत्र बोल रहे हैं इसके अनुसार वो द्रव्य होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं शास्त्र में फल मंत्र पदार्थ समन्वय, इसे यज्ञ शास्त्र में इसको बताते हैं, फल फल के अनुसार मंत्र, मंत्र के अनुसार पदार्थ, इसको समन्वय त्रिकम बोलते हैं, समन्वय त्रय बोलते हैं, ये सब होना चाहिए, जिसके बिना काम नहीं होगा, और ये पदार्थ के बारे में, और जो बोल रहे हैं उनके पास भी ज्वलन होना चाहिए, आग तो बाहर नहीं है, अंदर वो ज्वलन होना चाहिए,
बाह्य ज्वलन और अंतर ज्वलन।